नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम आपको बता दें, इन 24 घंटों के अंदर आपको किसी से खतरा हो सकता है। यदि आप भी अपनी सलामती चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके ग्रह की कुछ ऐसी अशुभ स्थितियों का निर्माण होने वाला है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों, आज की पूरी वीडियो सितारे और ग्रह गोचर के आधार पर केवल आपके लिए बनाई गई है। ग्रह के द्वारा बहुत बड़े संकेत मिले हैं कि दोस्तों, अब इन 24 घंटे में कौन सी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, सावधानी रखना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में, किस प्रकार से आपको अभी इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इसे अभी नहीं देखा तो आप लोगों को बड़ी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर बनाई गई है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपके 24 घंटे में आप कुछ परेशानियों का सामना किया है, बड़े ही कष्टों का सामना भी किया है। लेकिन दोस्तों, अब आपका कष्ट, आपकी परेशानियां जड़ से खत्म हो सकती हैं और आपको नई उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल सही सुना है दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि ऐसे कौन से वो लोग हैं जो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, किस प्रकार से आप लोगों को बर्बाद करने के पीछे तुले हुए हैं। यदि आपने इन बातों को जान लिया तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप पहले ही सावधान हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को मिलती रहें। और अच्छी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी के जयकारे ज़रूर लगा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत खुशखबरी से हो सकती है। जिस कार्य के प्रति आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसके फल की प्राप्ति उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाली है। परंतु कोई भी कार्य करने से पहले, पूरी रूपरेखा बनाने से पहले अच्छे परिणाम हासिल होंगे। योजना बनाने के साथ उन्हें काम करना भी जरूरी है। ख्याली पुलाव ना बनाए, मकान आदि से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। तनाव रहने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम लाभदायक रहेगा। कारोबारिक मामलों में शिद्दत से अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों पर भरोसा करना उचित नहीं। लाभ के मार्ग और अधिक प्रशस्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव बना रहेगा। घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी और आप लोगों को काफ़ी खुशी महसूस होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती बढ़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों, पहले आपको विषय संबंधित किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता है। जानकारियों से थोड़ा बची के रहिए, क्योंकि दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ गलत जानकारियां भी आपके हिस्से आ सकती हैं। मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ताकि जो आपके मन को काफ़ी हल्का महसूस करवा सकता है। दोस्तों, व्यवहार और दिनचर्या में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों की समस्या को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, अपने कोई भी महत्वपूर्ण बातें ज़्यादा लोगों के संग शेयर ना करें, वरना कोई नज़दीकी व्यक्ति आपसे धोखा कर सकता है। कई गतिविधियों में व्यस्तता के कारण आप बिजनेस में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। इस समय कोई भी बड़ा बदलाव आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपने दिनचर्या में थोड़ा सोच समझ कर बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दूँ, प्यार और प्रतिभा दोनों ही तरीके से आप लोग एक साथ बहुत अच्छे से चल सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच को खुली रखें, लेकिन अभी कोई योजना निश्चित ना करें, क्योंकि दोस्तों, समय के साथ ही चलते रहें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करेगा। कुछ रचनात्मक करने के लिए आप दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबारों में अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। मानसिक तनाव में कुछ गिरावट आएगी, जिसकी वजह से परिवार और मित्र के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे, वे आज आपको निकालने का मौका मिल जाएगा।
बेवजह रिश्तों पे शक करना रिश्तों को खराब करने का काम कर सकता है। आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर मन में उतार चढ़ाव है तो साथ बैठकर बातें करें, ये आप लोगों के लिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काफ़ी मददगार साबित रहेगा। आईटी से जुड़े लोगों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिल सकता है। आपको कामयाबी पाने के लिए केवल काम पर एकाग्रचित होना चाहिए। दोस्तों, मेहनत जोरों शोरों से करें, इसका परिणाम आप लोगों को अवश्य मिलेगा। अगर आपके पास हालात थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं तो दोस्तों अब उसको भी मजबूती मिलने वाली है। अगर आपके पास में हालात से उभरने की दृढ़ शक्ति इच्छा है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। किसी भी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालात पुराने ही छोड़ दीजिए। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति और आशावादी से आप लोगों को रचनात्मक स्वास्थ्य के जरिए से आप काफ़ी उत्साहित महसूस करेंगे। एक बार ये गुण आप अपने अंदर बसा लीजिए कि आप हर काम को सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। धन आने से रुक सकता है। आर्थिक मामलों में दोस्तों सुधार करने की आवश्यकता है। साथी का सहयोग मिलेगा। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने के लिए काफ़ी बातें बना सकते हैं, इसलिए ऐसी बहानेबाजियों से दूर ही रहें। कार्य क्षेत्र में भी आप खुद को खास महसूस करेंगे। प्यार, पैसा, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। यूं जो जीवन में हमेशा कुछ नया और रचनात्मक करने की आप जो कोशिश करते हैं उसका आप लोगों को काफ़ी सटीक फल आज मिलने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही दांत का दर्द या पेट के दर्द की तकलीफ हो सकती है, परेशानियां सामने खड़ी आ सकती हैं, परंतु आराम से आप लोगों को चिकित्सक की सलाह लेने की आवश्यकता है। आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके जाने पर भी आप लोगों को बड़ा ही दुख होने वाला है। पारिवारिक सदस्य या फिर जीवन साथी के साथ तनाव की वजह से आप काफ़ी अनुभवी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही प्यार के प्रति वाकई बहुत गहरा रिश्ता जुड़ने वाला है। आप अपने प्रियजन के साथ में बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे वे आज अपने परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। घर में किसी काम से लेकर के आप लोगों को व्यस्ततम दिनचर्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी निरंतर आप लोगों के साथ खड़े हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप लोगों का सकारात्मक रवैया उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।